बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फहीम भट्टी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फहीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे बस, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आपको मोबाइल के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि अक्सर जो है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जो है मेंशन किया गया था कि 12 तारीख को जो है ये स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी, आपको किस तरीके से जो है मोबाइल मिलेंगे। तो ये सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी है कि आपको किस डेट को जो है मोबाइल जो है मिलना शुरू होंगे। तो तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो करना आपने ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। सबसे पहले बात करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी पिछली डिटेल दे देता हूं कि कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो अक्सर हमसे किए जाते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है चाहिए होगी मोबाइल को इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों पर लेने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास आपका CNIC कार्ड होना चाहिए। तो सुनने में यही आया है कि सिर्फ जो है CNIC कार्ड के ऊपर ही आपको जो है मोबाइल किस्तों पर मिल जाएगा। सबसे मेन चीज ये है कि बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि यार आईफोन जो है हम आराम से ले सकेंगे, या जो है कोई बड़े सेट जो है S23 अल्ट्रा वगैरह या S24 अल्ट्रा भी आ गया है, ये मोबाइल बड़े मोबाइल ले सकेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 लाख तक की मालियत के मोबाइल जो है ले सकते हैं। उसके लिए आपको तकरीबन 20% पहले पेमेंट करनी होगी, उसके बाद जो है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आपका जो है एक टाइम पीरियड बना दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको जो है मोबाइल मिल जाएंगे। मजीद ये कि अगर आप इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं देते तो आपको जो स्कीम है इसके अंदर जो है मेन जो है PTA और कई बैंक भी शामिल है, और ये शेड्यूल अभी तक नहीं आया कि आपको किस तरीके से जो है मिलेगा। ठीक है, मजीद ये कि आप ये सोच रहे होंगे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर भी ये जो है डेट लगी थी कि यार 12 जनवरी से जो है हमको मोबाइल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ IT की जानिब से अभी ऐसी कोई डेट सामने नहीं आई है। ये जो 12 तारीख की जो डेट थी, मैंने भी देखा था अक्सर वे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर भी लगी हुई थी। तो फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो यकीनन ज़रूर आपसे शेयर कर दिया जाएगा। मजीद ये कि ये स्कीम बहुत जल्द आने वाली है, जैसे ही आती है तो आपको जो है यकीनन हम इसके पीछे लगे रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। जैसे कोई अपडेट आती है आपसे ज़्यादा हमें टेंशन होती है कि यार अपने व्यूज़ को जल्द अज जल्द बता दिया जाए। मजीद ये कि सारी डिटेल आपसे शेयर पिछली वीडियो में भी मैंने शेयर कर दी थी, और जो है आज भी मुख्तसर सा मैंने आपको गाइड कर दिया है कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा आपको मोबाइल किस्तों पर लेने के लिए। तो इसके अलावा अगर आप मोबाइल्स की अपडेट वगैरह लेना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस के अंदर तकरीबन जो है हम डिस्कस करते रहते हैं कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, सैमसंग के कौन कौन से लेटेस्ट मोबाइल है जिनके प्राइस कम हुए हैं और बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। तो यकीनन हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियो आपके लिए पेश की जाती है, तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहा करें तो आपको वक्तन फवक्तन अपडेट, हर मोबाइल से रिलेटेड जो है अपडेट आपको मिलती रहेगी। मजीद इस बारे में भी जो है इंशाल्लाह आपसे वक्तन फवक्तन डिस्कस चलती रहेगी कि इस स्कीम के जरिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, कहां कहां से ये जो है मोबाइल आपको मिलेंगे, बैंक के थ्रू मिलेंगे, या जो भी डिटेल होगी इंशाल्लाह आपको शेयर कर दी जाएगी। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट्स करके पता भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि अपनी दुआओं में अपने भाई को बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।